मॉर्निंग जेंटलमैन, मैं सारा वक्त नहीं था। आप सब लोग जानते ही होंगे कि हम लगभग एक साल से रेस्टोरेंट हाइस पर हैं। एंड टुनाइट वी हैव मेड अ इंपॉर्टेंट ब्रेक। आपका कैप्टन आपको बाकी डिटेल्स देगा। बस को एनएसपी से हमारे रडार में आ गया है, उसकी वजह से और हमारी साल भर की इन्वेस्टिगेशन की वजह से हम एक सॉलिड केस बिल्ड कर सकते हैं उसके खिलाफ। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लोग एमेटर्स नहीं है, वो लोग प्रोफेशनल्स हैं, समय रिसर्च कर रहे रहते हैं। ये कोई पहली हरकत नहीं है। शायद उनमें से कुछ लोगों को आप लोग जानते होंगे। जेन लॉन्ग बॉडियों का एक रंगीन करियर रहा है, बड़ी गाड़ियाँ चुराना, हथियार चुराना, बैंक डकैती, सब कुछ। वो तिजोरियाँ खोलने का एक्सपर्ट है। आई एम श्योर ये उसने दो घोड़ों को रेस जीतने में जितना समय लगता है उतने में किया होगा। खोजे मारिया लंगोड़ो एक ही जैमा जेमी का छोटा भाई है। जब जेमी जेन में जाता है तो उनका फैमिली बिजनेस यही संभालता है। सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट करने में भी एक्सपर्ट है। अगस्टीन इसाबेला एक ही जीनो ये लैम्बार्डो के कजन ब्रदर्स है, एक प्रोफेशनल हैकर है। ये लोग बहुत बार एक साथ काम करते हैं। हमें लैम्बार्डो ब्रदर्स को ढूंढना है, ये इडियट उन तक पहुंचेगा। एंटोनियो फियोरो, इसके बारे में हमें अभी तक कुछ ज्यादा पता नहीं है, पर करते वक्त वो भाग गया। वो एक बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से कूद गया था, लेकिन हमें उसके पास से एक सेलफोन मिला था। मतलब हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीड मिली है। उसने अभी अभी उसी फोन से अलग अलग चार लोगों को मैसेज भेजा है। नंबर 75, इसका क्या मतलब हो सकता है? वो किसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था? अभी हमारी नहीं, चुप रहो, आगे बढ़ो। क्या हुआ जी? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? क्यों, तुम्हें क्या लगा तुम्हें ये रॉयल ट्रीटमेंट हमेशा के लिए मिलेगा? अब और नहीं बेटा, आगे बढ़ो। सुनो पेना। सॉरी कैप्टन,
मुझे नहीं लगा था कि चेमा को भेजने के बाद तुम यहाँ आओगे, पर मैं उनसे कहूंगा कि तुम यहाँ आए थे। उन्हें कहाँ भेज दिया बताओ मुझे। उन्होंने बताया नहीं तुमको? वो अब जनरल सेक्शन में है। किसने ऑर्डर दिया? केस पर 5 सालों से काम कर रहे और उसका कुछ नहीं हो रहा। अंदर ट्रेवी भी है। ये 5 साल फ्राइडे को खत्म हो गए। इट्स ओवर। काचो, अगर जेल में किसी ने उसे मार दिया तो वो नंबर भी उसके साथ जाएगा। और उसी के साथ तुम्हारा ऑब्सेशन भी। अब कितना वक्त हो गया मनोलो? तुम सब कुछ खो चुके हो, अपना घर, बीवी, परिवार, बस हो चुका। मुझे मेरा कैप्टन वापस चाहिए। हमारे पास अभी भी 3 दिन है, उसे इससे पहले मत भेजना। 3 दिनों में क्या होने वाला है? मुझे उसका एक बार फिर से बयान लेना है। और हम फिर से वही पुराने सवाल करेंगे। काचो, बात को समझो। उन लोगों ने सिर्फ $30 million नहीं चुराए हैं, उन्होंने मेरी जिंदगी के 5 साल चुराए हैं और भी चुराते रहेंगे। अगर मैं उससे कुछ निकाल नहीं पाया तो तुम जो कहोगे वही होगा। ये मेरा वादा है, पक्का। मुझे पता नहीं कैसे करोगे लेकिन तुम्हें यह करना होगा। मनोलो से बात करने में क्या प्रॉब्लम है? पहले भी उसी ने ट्रांसफर किया था ना? आज 6 स्टिचेस हैं और कल भी तुम यहीं होगी। ठीक है, बैठ जाओ। बिल्कुल ठीक हूँ रोसियो, थैंक्स। मैं इन्हेलर लेकर आती हूँ। साल तक तुम गायब रहते हो और फिर ऐसे आते हो मिलने के लिए। जमी, आई एम सॉरी यार, हमसे गलती हुई। हाँ, सर, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। शांत हो जाओ। कौन सी गलती हुई और किसके साथ? बोलो। टीनो, मैं, फियरो, बॉस को। तुम लोगों के साथ कर क्या रहे थे? तुम्हें क्या लगता है हॉट डॉग्स बना रहा था? तुम सुनते नहीं हो चेमा, कभी भी नहीं। तुम उन हॉरिबल छोटे बच्चों जैसे हो जो ऑलराइट, तुम तुम्हारे भाई को तुम्हारी तरह चोरी करते नहीं देखना चाहते, लेकिन वही करके तुम बढ़िया जी रहे। जेल जा चुका हूं चेमा, जेल। जरा धीरे बात करो, तुम कैमिला को जगा दोगे और मैं नहीं चाहती कि वो चेमा को इस हालत में देखे। बैठो। हम हमसे जो मुमकिन होगी वो मदद करेंगे, उससे ज्यादा नहीं, समझे?
मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे लगता है पिछली बार मैंने तुमसे साफ कहा था, मेरे लिए मेरा परिवार सबसे पहले है। एग्जैक्टली। तुम्हें अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, है ना? क्या तुम मजाक कर रहे हो? डरे क्या? ठीक है। I'm sorry, Tara. Jimmy, please, मेरी बात नहीं, सुनो। तुम मेरी बात सुनो। क्या कहा था मैंने? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये जिंदगी कितनी मुश्किल है। तुम इसका परिणाम जानते थे। मैंने तुम्हें शुरुआत से ही आगाह किया था। अब बस। जिमी सुनो, ये कमोना के बारे में है। माफ करना बेटा, सुनो मुझे बस थोड़ी देर अपने दोस्तों से बात करनी है, तुम जाकर खेलो। अरे हम तो सिर्फ मजे लूट रहे हैं भाई। मजे लूटना तो हमारा हक है। जेंटलमैन एक्सक्यूज मी। यस यस, आई एम सेंट जॉय। हां हां, सही कह रहे हैं। हां मैंने उनसे बात की थी। मरियाना। हां बोलिए। मुझे एक अर्जेंट काम निपटाना है। ध्यान रहे ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि मैजिक शो अभी शुरू होने वाला है। आई नो हनी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुमने सब बर्बाद कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। जानने की जरूरत नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में बोलने की? कैसा चल रहा है जादू सीखने के लिए? कौन कौन तैयार है? देखिए कौन अच्छा जादू सीखता है, गर्ल्स या बॉय? आ जाओ हमारे पास, जो जो वॉलंटियर बनना चाहता है। जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए ताली बजाओ। परेशान हो जाओ। बॉस इनके लिए क्या हुक्म है? प्लीज हमको कुछ बताइए। आप वो क्यों निकाल रहे हैं? अरे शांत हो जाओ। यही था। किसको गिफ्ट चाहिए? देखो इधर, दो कबूतरों को मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। मैं चाहता हूँ कि तुम शांति से बैठो। ओके, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? हर जादूगर के पास उसकी जादू की छड़ी होती है कि नहीं? मेरे पास भी है। ये देखो, एक ये छोटी सी और बढ़िया सी छड़ी है। वो सुन रहे हो? मेरी सबसे छोटी बेटी अभी भी अपना बिस्तर गीला करती है, तो मैंने उससे एक डील की कि अगर उसने पूरे एक हफ्ते तक अपना बिस्तर गीला नहीं किया तो मैं उसे एक शानदार बर्थडे पार्टी दूंगा। और जैसा कि तुम सुन सकते हो, मैंने अपना वादा पूरा किया। मेरा मानना है कि बच्चों को पालने के दो तरीके हैं, सकारात्मक तरीके और नकारात्मक तरीके। मैं किसी को सजा देने से ज्यादा उन्हें इनाम देना प्रेफर करता हूँ। अगर तुम उन्हें सजा देते हो तो वो डरपोक बन जाते हैं, या फिर उससे भी बुरा, और फिर वो ऐसे ही बड़े होते हैं, बिना किसी महत्वाकांक्षा के अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाते। लेकिन असली बात तो सिर्फ बैलेंस में है। चुप रहो। ये रही मेरी छड़ी। वैसे ये कुत्तों पर भी काम करती है। सब बच्चे तैयार हैं? मुंह खोलो अपना, जल्दी खोलो। अब चबाओ। रुको कारमानो, मैं जानता हूँ उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज रुक जाओ। चबाते जाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कुत्ता तुम्हारे हाथ में अपना पंजा दे तो उसे अच्छी ट्रीट देनी। एक दो। चाहते हो ना कि वो तुम्हारा घर गंदा ना करे? Oh,
जो अभी तुम्हारे पार्टनर ने कहा वो सच है? ए, तुम तो चिमा हो ना? जेमी के पास मैं उसका आदर करता हूँ, बहुत होशियार बच्चा है, उसने अच्छा फैसला लिया रिटायर होके अपनी फैमिली की देखभाल करने का। ओ, उससे मुझे याद आया, मुझे वापस लौटना होगा। मैं मैजिक शो मिस कर रहा हूँ। अब मिस्टर फ्रेडी तुम्हें समझाएंगे कि तुम लोगों को क्या करना होगा ये फिक्स करने के लिए। सिवेरो कारमोना के जंगल में कैसे फंस गए? लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो हमें ये तुम्हारे साथ मिलके करना होगा या फिर तुम्हारे बिना। लेकिन हमें ये करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। जो हो गया वो हो गया, और अब मुझ पर एक शैतान का उधार है। मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरे भाई। बात अभी खत्म नहीं हुई। क्या वो मर रहा है? So please, क्या मैं तुम्हें देखकर खुश हुआ हूँ? हाँ, मैं समझ सकता हूँ। जरा देखो उसने मेरी क्या हालत की है। चेमा, तुम जरा भी नहीं बदले हो। जब से यहाँ कदम रखा है बिल्कुल वैसे के वैसे हो। तुम अभी भी अनजान बन रहे हो। वो मुझे हिला क्यों रहे हैं? क्या तुम्हें आज का दिन याद नहीं है? बताओ, ये केस फ्राइडे को एक्सपायर होने वाली है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी करूंगा। मुझे मार डालेगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पिछले 4 सालों में मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही बात की है। इसका मतलब ये है कि हम दोनों दोस्त बन गए। ओह कम ऑन, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देता हूँ, तुम मुझे अपना नंबर क्यों नहीं दे देते? मैं ये केस सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, और फिर वो लोग तुम्हें यहाँ मार डालेंगे। तुम एक बार के लिए ये नाटक बंद नहीं कर सकते। प्लीज मुझे अपने पुराने सेल में वापस ले चलो। ये काफी घिसा पीटा है। तुम सारे नंबर्स के सिवा ये केस सॉल्व नहीं कर सकते। साइड में जाओ तुम। गुड लक विद ट्रेवी। मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता फियारो कहाँ है। क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? नहीं, मैं जो जानता हूँ तुम्हें बता चुका हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो बेवकूफ, तुमने अभी तक नंबर नहीं दिया है। मुझे नहीं पता कि सेफ कहाँ है, और ना ही मैं फियारो के बारे में जानता हूँ। कोई इन्फॉर्मेशन दो जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मुझे इसी का पता लगाना है। अगर ट्रेवी से जान बचानी है तो मेरी मदद करो, मैं तुम्हें बचाने के बारे में सोचूंगा। पिछले 4 सालों में तुमने कोई भी नेगोशिएशन क्यों नहीं किया? आखिर किसे बचाना चाहते हो? तुम्हारे पास मेरी पूरी फाइल है, उसमें सब कुछ है। प्लीज, हम दोनों जानते हैं कि 4 साल की बकवास के अलावा उसमें कुछ नहीं है। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तो हम फिर से शुरू से शुरुआत करते हैं। अब तक मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूं। उसकी चिंता मत करो, हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। तुम्हारे दोस्त फेरो से शुरू करें। वो मेरा दोस्त नहीं है, वो किसी का दोस्त नहीं है। वो हमेशा सबसे 2-3 कदम आगे है। I'm not sure if I'm going to be able to do that.
क्या कर रही है? श्योर श्योर लूसियो, हमने तो अभी शुरुआत ही नहीं की। तुम लोग ऊपर जाकर बैठो, मैं आया अभी। तुम हमें एक बोतल भेज दो ऊपर लूसियो। तुम अपने पैसे चुकाने से क्यों नहीं शुरुआत करते? तुम्हें पता है तुम्हारे जितनी उधारी है उतने में मैं एक नया बार खोल सकता हूँ, समझे? वो दिन बहुत जल्द आएगा, देखना तुम। क्या बात है, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। सच में? देखो बात ऐसी है कि कुछ पैसा आने वाला है मेरे पास, हम नया बार शुरू करने से ज्यादा बहुत कुछ कर सकेंगे। तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें लात मार दी? भाड़ में जाओ तुम। बहुत अच्छा भाई मिला है तुम्हें चिमा। और तुम डरे हुए हो? मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई मीन। अच्छी बात है तो, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी टीम दिन ब दिन छोटी होती जा रही है, राइट बॉस को? हमारा कुछ होने नहीं वाला, ठीक है? अरे शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। आओ बैठो। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक्स। डील क्या है फियरो? मेरे पास 5 मिनट है। ठीक है तो एस्ट्रेला, क्या तुम हमें 5 मिनट दे सकते हो? थैंक यू। हाँ जरूर। ग्रेट। तो जैसा कि तुम सब जानते हो, बॉस्को के डेंटिस्ट के रिक्वेस्ट पर हम लोग रेस ट्रैक चुराने वाले हैं। पैसा एक सेफ में रखा हुआ है और यही तुम्हारा पार्ट आता है जेमी। सर्विस एलिवेटर ही एकमात्र रास्ता है वहाँ पर जाने का। उसमें कॉम्बिनेशंस है, फिंगरप्रिंट्स और स्कैनर्स वगैरह भी हैं। हम उसे हैक कर सकते हैं? नहीं, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लगता तो है। तो तुम्हें लगता है कि मैं देखे बगैर बोल रहा हूँ? हाँ, हम गार्ड्स को यूज करेंगे। एग्जैक्टली। और हम सीसीटीवी और सेंसर्स को कैसे चकमा देने वाले हैं? उनका पूरा सिस्टम ठप कर देंगे, सब कुछ जाम कर देंगे। हम वो ठप कर देंगे, हाँ? बस ऐसे ही? बस ऐसे ही जेमी। माल कितना है बताओ उसको? 30 मिलियन डॉलर्स। कार्मोना के कहने अनुसार सारा उधार चुका सकेंगे और वो हमारा ख्याल भी रखेगा। और क्या बोला उसने? उसने कहा कि हम जिंदा रह सकते हैं और हमारी लाश कचरे के ढेर में नहीं मिलेगी। अच्छा है ना? लगता तो है। जेमी, जेमी, बात सुनो उसकी। इसने कुछ तो बात है, ये हमारे लिए रिटायरमेंट हो सकती है। मैंने हर चीज का ख्याल रखा है जेमी, मुझ पर भरोसा नहीं है। फियरो के लिए हर चीज बहुत आसान रही है और अब जब बात रेस ट्रैक लूटने की थी तो उसका दिमाग दौड़ने लगा। रुको 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 चिमार, I'm sorry, पर ये जो पार्ट है वो मुझे बहुत बोर करता है, इसे हटाकर शुरू करो। मैं ये कहानी तुम्हें हजार बार बता चुका हूँ, तुम्हारे पास मेरा बयान। तुम्हारे पास कोई जरूरी काम है? ट्रेवी के साथ गुलछर्रे उड़ाने हैं? बोलते रहो बस। ओके चलो रेस ट्रैक से शुरू करते हैं। मैंने पहले भी बताया है, जेमी और मेरे पास और भी पैसे थे, हमें बस एक्सीडेंट होने के बाद वहां से निकलना था। सब समझ रहे थे कि घुड़सवार का कंट्रोल खो गया। चलो चलो जल्दी, तुम जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, बाकी मरीजों के लिए एम्बुलेंस नहीं। रेडियो नीचे रखो। आराम से, आराम से। और तुम चलो उतरो और वापस जाओ, जल्दी करो। जैसे कि कह रहे करो। सब हो गया? हमेशा से ही पागल लगता है। उसने वहां से हमें बाहर निकाला, अब तुम ही बताओ मुझे। उसने कहा कि वो जीत नहीं सकता था।
मुझे समझ में नहीं आता चेमा, तुम लोग प्रोफेशनल्स हो ना कि कोई सड़क छाप, तो फिर पैसे लेकर निकल क्यों नहीं गए? क्योंकि हमें कमोना चाहिए था, वो हमारे बारे में सब कुछ जानता था। हमें से किसी को अपनी जान नहीं गंवानी थी और इस रास्ते से किसी को पड़ती भी नहीं। और वैसे भी फियरो ने हमें दूसरा रास्ता कहां छोड़ा था? तो मतलब इसके पीछे फियरो है? हाँ कमीना फियरो, क्या मतलब मुझे रुकना होगा? टीनो प्लीज, मैंने अपना काम किया और तुम लोगों को वहां से बाहर निकाला। ये सब फिर कभी। शट अप, तुझसे बात नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। हमें यहां जरूरत है तुम्हें। मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या अपने आप को? भरोसा रखो मुझ पे, अपने पैर की हालत तो देखो। पैर भाड़ में जाए, मैं बिना पैर के गोली चला सकता हूं। कोई गोली नहीं चलाने वाला। देखो वो आ गए, तैयार हो। चलो खत्म कर देते हैं। $100,000 दे दो प्लीज। ओके सर। आज तुमने जो किया वो देख के मैं सच में हैरान हो गया हूँ, इसीलिए तुम्हें एक और काम देना मुझे बहुत पसंद है। भाड़ में जाए, चुप रहो यार। हम सुन रहे हैं। मैं नहीं, जमा पर तुम्हारा उधार था जिसकी मैं कदर करता हूँ, लेकिन ये रहा तुम्हारा पैसा, अब हमारा कोई देना बाकी नहीं है, हिसाब बराबर। लेकिन मुझे तो तुम्हारे पार्टनर्स के मन में कुछ और ही दिख रहा है। जाने दो, तुम बाद में बात कर लेना। तुम अब इन सब के लिए नहीं बने हो जेमी। आई थिंक हम सब के लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम घर जाओ और कमीला के लिए एक आदर्श पिता बने रहो। आगे मत बढ़ना, रुक जाओ, हिलना बेमान। क्यों ना हम सब अपना दिमाग ठंडा रखें? और क्या चाहिए तुम्हें? क्यों ना मैं तुम्हें गोली मार दूं और सब कुछ खत्म कर दूं यहीं पर। रामीरो, अगर मिस्टर फियारो मुझे चोट पहुंचाने की इच्छा को रोक ना पाए तो ये जिस अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं उसे जलाकर राख कर देना। तुम्हें लगता है जो लोग तुम्हारी जिंदगी में जुड़े हैं उन्हें कोई नहीं जानता? या वो कोठा जहां तुम बड़े हुए? मैं तुम में से हर एक के गहरे से गहरे राज जानता हूं, और इसका प्यारा दोस्त लूसियो, उसकी तो आंखें निकाल के गोटियां खेलना, पर उसे तुम ये जरूर बताना कि इसका कारण है तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त और उसकी नहीं काबू में रहने वाला उसका गुस्सा। फियरो सुनो मेरी बात का, नीचे रखो प्लीज। आज यहां जो हुआ उसे भूलने का उपकार करूंगा तुम पर। पैसे लो, निकल जाओ और अपनी जिंदगी जीना शुरू करो। जाके थोड़ा आराम कर लो। मैं जेमी की इच्छा का मान रखूंगा, हम उसके बिना फोन पर बात करेंगे। वैसे एक मशवरा देना चाहूंगा, अपने दोस्त को जरा समझाओ कि किसी को उसके दिमाग में अकल भरने की जरूरत है। चलो फियरो चलते हैं। Cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va a ver.
जाओ टीनो। बस सांस लो। फियारो ने बुरा पहल कर लिया, पर वो सही था। कमोना हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। नीचे करो। कार्मोना ने जो कहा तुमने सुना नहीं क्या? वो हमारा मालिक था। बॉस्को के साथ जो किया तुम जानते हो, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो तुम्हें और अकेला छोड़ने वाला था, बिल्कुल नहीं। और तुम ये जानते हो, वो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें अपना खिलौना बनाने वाला था, हम सबको। कान नीचे करो। अब ये तुम्हारा डिसीजन है। अब पुलिस हमारे पीछे आएगी और ट्रेवी भी। तुमने हम सबकी जिंदगियां बर्बाद की हैं। देखो, उसकी चिंता तुम मत करो, उसे मैं संभालूंगा। आज हमने बहुत पैसा कमाया है, अब हम घर जा सकते हैं और सुकून से जी सकते हैं, बिना किसी डर के। बड़ा हाथ, दिमाग फिर गया है तुम्हारा। हे हे हे, सुनो सुनो, अपनी जान लगा दी उन पैसों के लिए हमने, नहीं क्या? ऑफ कोर्स हम वो रखने वाले हैं। तुम्हें नहीं लगता वो पैसा ढूंढने की कोशिश करेंगे? उसके बारे में सोचा तुमने? कहां छुपाने वाले हो इतना पैसा? देखो, मुझे एक महफूज जगह मालूम है। सुनो, वो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, या फिर हम बॉस को गम मारते हुए देख सकते हैं, तुम सोचो। मुझे देखना है ये कमीना क्या कह रहा है। नहीं नहीं, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। भाड़ में जाए, पहले पैसों का बंदोबस्त करते हैं। तुम्हारा होने के बाद तुम मुझे अस्पताल छोड़ देना। देखा, ये बंदा अपने शरीर से खून बहा रहा है, फिर भी तुम पर भरोसा नहीं है। ठीक है, तो फिर चले। चलो चलते हैं, मुझे भी देखना ये किसकी बात कर रहा है। कहते हो तुम लोग? देखो सुनो, मैं जानता हूं कि हम लोगों में आपस में भरोसा नहीं है फिलहाल, लेकिन लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। हम सब एक नंबर चूज करेंगे और उसे उस सेफ के अंदर डालेंगे, बतौर एक कॉम्बिनेशन के, जिससे पूरा कॉम्बिनेशन किसी को भी नहीं पता होगा। हम सभी अभी 50 मिलियन रखेंगे और बाकी का यहीं रहेगा। हम स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन तक रुकेंगे। भाड़ में जाए। द स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन हर केस की एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एक्सपायरी होती है। अब क्या? अरे लेकिन कितनी देर तक? 5 साल।
और 5 साल तक क्या करें? नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं जानना है, तुम्हारे बारे में नहीं, किसी चीज के बारे में नहीं, कुछ नहीं। नहीं लेकिन जेमी, तुम लोगों को समझ नहीं आता, बेहतर होगा कि हम ना जाने। 5 साल में हम वापस आकर अपना पैसा ले लेंगे और बस, मुझे तुम में से किसी का मुंह नहीं देखना। लेकिन जेमी अगर कुछ होता है तो क्या होने वाला है बताओ? तो फिर बोलो, अगर तुम अपनी किसी गर्लफ्रेंड के लिए हमें छोड़ देते हो ऐसे ही लटकते हुए, तब क्या हाँ हम तुम्हारे नंबर के बिना क्या करने वाले हैं? वो बिल्कुल सच बोल रहा है, तुम हंस क्यों रहे हो? 5 साल बिना किसी कॉन्टेक्ट के। जवाब दो। तो क्या होगा अगर हम लोग वो प्रीपेड सेलफोन्स खरीद सकते हैं? अरे यार, कोई इस्तेमाल नहीं करेगा? नहीं, हमेशा मैं ही सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तो अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाता हूँ और यही छोड़ देता हूँ, उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। पैसा तिजोरी में रख दो, हमें बॉस को अस्पताल ले जाना होगा। अब क्या? वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, हम सीधे लूसियो के पास जा रहे हैं, हॉस्पिटल में पांव रहते ही हमारी वाट लग जाएगी। चलो चलते हैं। जेल में कैसे आया? वैसे तो बहुत सारी वजह है, लेकिन मेन है खून। अपेरेंटली कर्मोना को उसी ने मारा है। कमीना फियारो, राइट? और तुम यहाँ बैठकर अभी भी उसे बचा रहे हो? मैं नहीं बचा रहा हूँ उसे। और रियली तुम्हें इस गटर में लाने वाला वो ही था, याद है? अब उसको देखो और अपने आप को देखो। ये बात अलग है। और इसमें से कुछ भी तुमने अपने बयान में नहीं कहा। उसे 5 साल हो गए हैं। ऑफ कोर्स मुझे हर एक डिटेल याद नहीं है। मैं तुम्हें समझ नहीं पाता हूँ जेमा, बिल्कुल भी नहीं। क्या गड़बड़ है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे धोखा दे रहे हो या फिर कुछ? क्या मुझे तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा उन सब का क्या हुआ? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फाइल्स और फोटोज दिखाऊं? मुझे कुछ भी मत दिखाओ। फिर मेरी मदद करो, मुझे थोड़ी जानकारी दो। कम ऑन, तुम कहते हो कि फियारो तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम कहते हो कि किसी को उस पे भरोसा नहीं है, तो फिर बताओ वो कहाँ है? बताओ कि वो कहाँ है, सिर्फ कहाँ पर छिपा रखा है? कुछ तो बताओ मुझे, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी बताओ। तुमने क्या खोया है उसके बारे में सोचो। अनजान मत बनो तुम। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। तुमने कहा कि फियारो का दिमाग हिल गया है और उसने पागलों की तरह यहाँ सबको मार डाला है। क्यों? उसने उस पागल युवक को क्यों धमकाया? उसके बाप जैसा है। सॉरी बॉस, मुझे इसे वापस ले जाना। मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ और मेरा काम खत्म नहीं हुआ। सॉरी कैप्टन, लेकिन ये कमिश्नर खाचो के ऑर्डर से उसे दिन में कुछ ही घंटे मिलते हैं। हे मनोलो, प्लीज, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैं बस अपना जॉब कर रहा हूँ, मुझे वो खोना नहीं है। कल सारे पेपर्स लेकर आना। ठीक है, सुनो सुनो मेरी बात। मैंने इसे अकेले रखने के ऑर्डर्स दिए हैं, इसे किसी के साथ मत रखना, समझे? तुम मेरी बात समझ गए ना? चिंता मत कीजिए कैप्टन, इसे कुछ नहीं होगा। मनोलो मनोलो, मैं सच्चाई के बहुत करीब हूँ। उसने कुछ नई इन्फॉर्मेशन दी? फियारो के बारे में कुछ बातें। उसने एक बड़ी गलती की और मुझे एक सुराग दे दिया। देख क्या है? एक खोलो। मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ कुछ अच्छा
चमा, चमा, तुम ठीक हो? हमें निकलना होगा यहाँ से। भागो यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। चले। लूसियो, क्या हाल चाल है तुम्हारे? सब ठीक? हाँ, सब ठीक ही है। बोलो, क्या लाऊं तुम्हारे लिए? कुछ नहीं, थैंक यू सो मच डियर। मुझे तुमसे बस कुछ सवाल पूछने हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे कहाँ कुछ पता है। मैंने तुम्हें बताया था वो कहाँ है, नहीं पता। हाँ, और अगर तुम्हें दिखे तो उससे कह देना अपनी उधारी चुकाने को। बकवास लूसियो। मुझे तुम पसंद हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं तुमसे सीधे सीधे बात कर सकता हूँ। जहां तक मुझे पता है, तुम ट्रेवी नाम के एक इंसान को जानते हो। वो चेमा के साथ जेल में है और मैं नहीं जानता कि वो उसे कब मार देगा। और जेल के बाहर भी उसके बहुत आदमी हैं। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं नहीं चाहता कि वो फियरो तक पहुंचे इससे पहले कि हम पहुंचे, समझे? चेमा, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? तुम ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रह सकते। प्यारी डॉक्टर साहिबा, सोलिटरी का पॉइंट ही होता है कि कैदी पूरी तरह अकेला रहे ताकि वो सीख सके। तुमने खुद ही कहा, मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूं। एक्सक्यूज मी, चलो उठ जाओ, वो तुमसे मिलने आए हैं। अरेवलो नेवरेटी, नो। पैदाइश 13 मई 1981, जन्म स्थान चुआवा का एक पहाड़ी इलाका, 1.80 मीटर ऊंचा, 79 किलोग्राम्स। निकनेम्स है जेरार्डो रोमियारो, फिलिपी ग्रिहाल्वा, कोसे गुरेलो पे खासास, अंटोनियो फियरो। डकैती, सशस्त्र हमले, खून, बैंक चोरी, और लिखा है कि बहुत सी बड़ी बड़ी चोरियों में शामिल है। सबसे बड़ी चोरी 2010 की रेस्टोरेंट की चोरी, 13 अलग अलग खूनों में शामिल, जिसमें से 6 उसने खुद अपने हाथों से किए हैं, और बाकी खूनों के वक्त मौजूद की। उनके साथ 2 टीनेजर्स भी हैं। जेमा की एक अच्छे इंसान की छवि। इसका मैं क्या करूं? तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो। मैं वो पैसे जरूर हासिल करूंगा और तुम मुझे अपना नंबर दोगे।
तुमने मुझे अपनी वाली स्टोरी बताई थी, अब मैं तुम्हें अपनी बताता हूँ। फियरो ट्रेवी के साथ काम कर रहा था कर्मोना को खत्म करके पैसे हासिल कर सके, लेकिन उसने ट्रेवी को धोखा दिया। वो अकेले ही रेस्टोरेंट की चोरी कर सकता था, उसे प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं थी, उसे जेमी की जरूरत थी। क्या ये बात अजीब नहीं है कि उन्होंने सिर्फ बॉस को टॉर्चर किया? तुम जवान थे, अपने एक दोस्त की ऐसी हालत होते हुए देखकर तुम भी दहशत में आ जाते, और उन्हें भी वही चाहिए था। और फिर यहाँ आएगा बड़ा भाई रेस्क्यू के लिए। ट्रेवी कहा था जब फियरो कार्मोना का भेजा उड़ा रहा था, ट्रेवी उस दिन गायब था, ये अजीब बात नहीं है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, उसने हमें फिर मार क्यों नहीं डाला? कार्मोना के सारे आदमियों को नहीं मार सकता था, उसे तुम लोगों की जरूरत थी, और उन सब के मर जाने के बाद वो तुम लोगों को मारने के काबिल नहीं था, लेकिन उसे जरूरत ही कहा थी। कार्मोना के खून से तुम सबके हाथ रंग चुके थे, तुम लोगों ने दलदल में पैर रख दिया था। उसे सबसे पहले ट्रेवी को अंदर भेजना था, और उसने भेज भी दिया, और फिर उसके बाद सबकी एक नंबर चुनने की बकवास कहानी, फिर से सबने उस पर भरोसा कर लिया। तुमने खुद ही बताया था कि वो सबसे दो चार कदम आगे ही रहता था, वो तुम सबको जानता था, खास करके जेमी को, और वो ये भी जानता था कि इस सिचुएशन में तुम लोग क्या करोगे, और वो 5 साल वाला प्लान वो तो अलग ही लेवल का था। डैड, उसने तुम सबको अलग अलग रखा जब उसके पास दुनिया का सारा वक्त था, चाहे ऐसे हो या वैसे, फियारो सबको कंट्रोल करता था। बॉस्को को क्या हुआ? कोई और भी हो सकता है। और किसके हाथ पर ये टैटूज हैं? बॉस को भी ना पागल है, तो अब क्या, अब क्या करना है? भाग जाते हैं, पैसा लेके यहां से भाग जाते हैं। सब्र करो, हम नहीं जानते कि ये रेस ट्रैक के बारे में है या कुछ और, इसलिए सब्र करो। जेमी, मेरी बात ध्यान से सुनो, बॉस्को ने हमें उसका नंबर भेजा है, अगर कुछ और बात होती तो वो हमें कॉल करके बोलता कि गाइस मेरी मदद करो, प्लीज मैं मुसीबत में हूँ, ऐसा कुछ ना कुछ तो वो हमें बताता, लेकिन नहीं, उसने उसका वो नंबर भेजा है, पता नहीं क्या हुआ है उसे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बॉस को मर चुका, तो अब मैं पूछता हूं, अब आगे क्या? भाग जाते हैं। सुन चुका हूं, सुना? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? उसने अपनी जान दे दी हमें बचाने के लिए, वो नंबर हमें भेजने के लिए। मैं चेम्मा के साथ हूँ, भाग जाना ही सही रहेगा, मैं भाग जाऊंगा और जैसा कि उसने कहा अपना हिस्सा लेके जाऊंगा, और भाड़ में जाए वो 5 साल। ठीक है, ठीक है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मेरा पैसा चाहिए? ले लो, मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ, ले लो पैसा, बस हो गया। कहाँ जा रहे हो तुम? ये सब तुम्हारी वजह से है, ये एक्सेप्शन तुम्हारे लिए की थी मैंने। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे लिए सबसे अहम बात क्या है, मेरा एक परिवार है चमा, और मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल नहीं। देखो जेमी, मैं दिल से कह रहा हूँ, प्लीज गलत मत समझना, तुम्हारा एक परिवार है, एक बेटी है, इसीलिए तुम हम सबसे ज्यादा कमजोर हो, समझो तुम इस बात को। ओह माय गॉड चमा, मैं अपनी फैमिली के साथ ये नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। टेरे और कैमिला के साथ मैं ये नहीं कर सकता, और तुम ये जानते हो। आई एम सॉरी, पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। Thank you.
जेमी कहाँ थे तुम? मत पूछो, बस अपना सामान पैक करो। क्या तुम क्या कर रहे मैं हो? बाद में एक्सप्लेन करूंगा। क्या एक्सप्लेन? क्या? टेरा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। कैमिला का सामान भी बांधना है, प्लीज हमें निकलना होगा। जेमी जेमी शांत हो जाओ, देखो मेरी तरफ और मुझे बताओ क्या हुआ। मैं वादा करता हूँ बाद में सब कुछ बताऊंगा। क्या इससे चैमा का लेना देना है? मैं बाद में बताता हूँ टेरे। बस जवाब दो मेरे सवाल का, जवाब दो। हाँ हाँ, आई एम सॉरी टेरे, मैंने बहुत कोशिश की कसम से, पर नहीं हो सका। वो भाई है मेरा। क्या किया तुमने? We messed up. हमने बहुत बड़ी गड़बड़ की और क्या? वो मेरे पीछे आ रहे हैं। तुमने झूठ बोला? तुमने मुझसे झूठ बोला जेमी? क्यों 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 किया ऐसा तुमने? क्यों झूठ बोला मुझसे? बोलो क्यों बोला झूठ मुझसे? मैंने भरोसा किया तुम पर इतने सालों तक, तुम कहते रहे कि मैं इस रास्ते पर वापस कभी नहीं जाऊंगा। तुमने कसम खाई, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। जितना चाहो चिल्लाओ, जितना चाहो, वादा किया था तुमने मुझसे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो और सामान बांधो। ठीक है, समझ गई? जितना चाहो उतना करो। डैड आप कहाँ थे? कैमिला अपना सामान बांधो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हमें अकेला छोड़ दो, हम निकल रहे हैं। मतलब क्या है? क्या चल रहा है ये सब? कोई मुझे बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? क्या कर रहे हो आप लोग? ठीक है, क्या? चुप रहो। क्या जेमी? क्या क्या है ये? क्या हुआ जेमी? क्या है जेमी? मैं चाहता हूँ तुम यहीं रुको, मेरी बात सुनो, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई ये दरवाजा खोलता है, चाहे जो भी हो, तुम गोली चलाओ। वादा करो बेटा। नहीं बेटा, वादा करो। नहीं वादा करो बेटा। नहीं वादा करो। ओके आई प्रॉमिस, तुम्हारे साथ मुझे तो आई प्रॉमिस। आई लव यू बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। तेरा भी करती हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी और तुम्हें जानती हो? तो क्यों आप भाई क्यों कह रहे हो बेटा? कैमिला कहाँ है? अपनी दादी के घर। झूठ बोल रहा है। नहीं, नो, जेमी, प्लीज रुक जाओ। अगर तुम झूठ बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा जेमी। तलाशी लो घर की। ओके सर। तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अपना नाटक बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। जेमी, मैं तुम्हें नंबर देता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि मेरे परिवार को कुछ नहीं करोगे। नहीं 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 नहीं, प्लीज छोड़ दो उसे, उसे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हें नंबर देता हूँ। नहीं प्लीज, मेरे पास दुनिया का सारा वक्त है जेमी। कैमिला को जाकर उसकी दादी के घर से ढूंढ लाऊं? नहीं 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 नहीं, ठीक है मैं तुम्हें नंबर देता हूँ। बताओ, मैं सुन रहा हूँ। 22। क्या कहा तुमने? 22। वो अपने दादी के घर गई है, उसे वही रहने दो। मुझे भी मेरी दादी ने बड़ा किया है, देखो मेरी जिंदगी अच्छे से चल रही है।
फियरो? फियरो ने मारा उन्हें? नहीं, थोड़ा टेंशन दो। एडवार्डो अवरेलो नरेटे, इस कमीने ने तुम सबका ब्रेन वॉश कर दिया है। रेस ट्रैक लूटने के लिए उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया। धीरे धीरे एक एक करके उसने तुम सबको मार के नंबर हासिल कर लिए। जरा सोचो, ऐसे नहीं तो वैसे इन सब की मौत की वजह फियारो है। एक मिनट, इन सब का क्या मतलब है? टीनो का क्या? I'm sorry, लेकिन टीनो ने अपने खुद की जान ले ली। तुम्हारे लिए उसने ये चिट्ठी छोड़ी है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि फिर उन्हें उसे ढूंढ लिया तो क्या करेगा। तुम उसे सबसे बेहतर जानते थे कि वो हमेशा चिंता में और डरा हुआ रहता था, और वो जानता था कि वो फेरो से कभी भी नहीं भाग सकता है। पर उसने तुम्हारे बारे में सोचा, अपना नंबर छोड़ा है, नंबर 23। वो होशियार था, उसने अपना नंबर अच्छे से छिपाया था। मैं उसे जितना समझता था वो उतना पागल नहीं है। पागल ही है वो, उसका नंबर लेके मैं क्या करने वाला था? मैं वो सब नहीं जानता, शायद उसे लगता था कि वो मदद कर सकता है किसी तरह। पर एक बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो तुम्हारी हेल्प करना चाहता था और फियारो को हराना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो पैसों तक पहुंचे। उसने जेमी और टेरी के साथ जो किया था उसके बाद तो नहीं, और बेचारी कैमिला जो अब अनाथ है। तुम्हारा जेल में होना जरूर उसके प्लान का हिस्सा नहीं था, इसलिए फेरो इतने सालों से छुपा हुआ है और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है ताकि वो तुम्हारा नंबर हासिल कर सके। जेमी मर चुका है, ये बात तुम्हें पता चलने के बाद तुम्हें छिपने के लिए फियरो ने कहा था ना, है ना? वो फियरो ही था, उसने कहा कि हमें अलग अलग दिशा में जाना चाहिए। फियरो ने जेमी को मार डाला। नहीं मेरे दोस्त, वो तुम थे। जेमी को तुमने मारा है। अगर तुम उसके घर नहीं गए होते, अगर तुमने उसे नहीं फंसाया होता, तो जेमी आज जिंदा होता तेरे के साथ, और कैमेला अपने पेरेंट्स के साथ होती। सब खत्म हो चुका है जेमा, फियरो मर चुका है। अब मुझे बस पैसों के लिए ये केस सॉल्व करना है। और याद रखो, उन सब की जो मौत हुई है वो मौत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मुझे तुम्हारा नंबर दो, मेरी तरफ देखो, तिजोरी कहाँ है? तुम्हें इनहेलर चाहिए ना? कहाँ है? बताओ कहाँ है वो इनहेलर? कहाँ है तुम्हारा? बताओ, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ डॉक्टर। जेमा, जेमा वो बस आ रही है। जेमा, 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 तुम इसे कौन सा इंजेक्शन दे रहे हो? इसे स्टेबल करना होगा, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्या? जिंदा रहना है, समझे कमीने? उसे निकालो मत जमा। एक मिनट रुको, कैचो जमा, तुम ये नहीं कर सकते। तुम मुंह बंद रखोगी? अब बताओ, क्या ये तुम्हारा नंबर है? प्रेसिडेंट होटल बेसमेंट फ्रेड एलिवेटर। कहाँ पर? रुको रुको, मुझे नीचे उतरना है। क्या चो?
क्या हुआ कैप्टन? बोलो बोलो, क्या उसने कुछ बताया? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ? उसने तुम्हें कुछ बताया क्या? कुछ मिला ऐसा? ये उसके साथ था? हाँ, 75. Good. Very good. वो अभी आ नहीं है बस. वो उसकी दादी के साथ है. उसे वहीं पर रहने दो. मुझे भी अपनी दादी ने संभाला है. रहने दो, जिमा पर दबाव डालने के काम आएगा. रेडी? रेडी बॉस. हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ हमारे बीच में ही. बस उसे जाने दो और वो तुम्हारा है. क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? ये मेरी जबान है, नहीं तोड़ूंगा. पता है, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे. I'm sorry, Lucio. Nothing personal. मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ. शुरू करो. नहीं नहीं रुको, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा. नहीं रुको, रुक जाओ जरा, प्लीज रुक जाओ तुम. पूरा कर दो इसे. नहीं 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 रुको रुको, मुझे वहां से निकालो. हमारे हाथ में है दोस्त, उसका कोई लेना देना नहीं है. ये हमारे बीच की बात है. उसे बहुत तकलीफ हो रही है ना? अच्छा ठीक है मोनोलॉग. 33 है वो. 33 सुना तुमने? 33 बताया ना, उसे निकालो वहां से. 33? 33 तुम्हारा नंबर है? हाँ बताए तो सही. 33, अब निकालो उसे. Yeah.
उसे मारने के लिए किसने कहा था? भागने की कोशिश कर रहा था। पैर में गोली मारते सर पर नहीं। मैं खुद तुमसे मिला था और उसके पीछे जाने के लिए तुमने मुझे इजाजत दी थी। ये तुम्ही ने कहा था ना कि जो भी फायर करेगा उसकी खैर नहीं। पता है, पर उसने मुझे अपना नंबर दिया और फिर भागने लगा तो मैं क्या करता? लगा दी है ना? ऐसा नहीं है कि वो हमसे दूर जा रहा है, इसे देर नहीं कह सकते। तुम समझ नहीं रहे हो क्या? कोई हमारे पीछे पड़ा है। जितनी देर लगेगी हालत खराब होते जाएंगे। ठीक है, तुम यहीं रुको। वो मेरा भाई है फियरो, मुझे जाना होगा। बताना मुझे। अब आगे क्या कैप्टन? फॉरेंसिक को बुलाना पड़ेगा? नहीं, आधे घंटे तक इंतजार करो। वक्त नहीं है, मुझे जेल जाना पड़ेगा। जब तक मैं उन्हें अपना नंबर नहीं देता हमें कुछ नहीं होगा। फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? चुप रहो। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं जेमा। आज जाओ पागल, और पौधे को याद रखना, फियारो को ढूंढना। मैं वादा करता हूँ। Oh.
मुझे देना और अब चलो। थैंक यू। चलो अब गाड़ी चलाओ। थैंक यू, फाइनली हमारी मुलाकात हो ही गई। पढ़ो इसे। बॉस को 75, फियरो 33, चेमा 19, तीनों 23। ये तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? रखो तुम, तुम्हारे लिए। पर इसमें जेमी का नंबर नहीं है, उसे किसने मारा ये भी नहीं जानते, या फिर उसका नंबर किसके पास होगा? मुझे जानना भी नहीं है। पूरा यकीन है, वरना तुम तुम्हारा पैसा कैसे रिकवर करने वाले थे? तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम बक रहे हो उस पर मैं विश्वास कर सकता हूं? ट्रेवी के पास भेज दिया, इसलिए हमें तुमसे बात करने की जरूरत थी। देखो गचो, गिरफ्तार करो या मार दो, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे पहले मुझे मनोलो के बारे में बताने दो जिसे तुम नहीं जानते। अगर मुझे ये पता चला कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो मैं खुद तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। बॉस को 75, फियरो 33 और मैं 19 और टीनो 23। ये तुमने ही कहा था मनोलो, जो भी फायर करेगा उसके खैर नहीं। हाँ, पर उसने मुझे अपना नंबर दिया था और मैं क्या करता? तुम घर जाओ, जब तक मैं ना बुलाऊं वापस बताना। क्या चल रहा है यहाँ पर? घर जाओ, मैं देख लूंगा। देखो मैं यहाँ भी अभी। कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। नहीं, हम कुछ ढूंढ सकते हैं जिससे उसका नंबर मिल जाए। मैं तुम्हें उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स दे दूंगा। कुछ मिल जाए तो मुझे फोन करना। तुम चिंता मत करो।
से बात कर सकता हूं, बस दो मिनट। श्योर, थैंक यू। हे चिमा, चिमा मैं हूं, चिमा तुम ठीक हो ना? हाँ, हमें जाना है, चलो उठो। आहिस्ता हो जाओगे। पता पर उस एम्बुलेंस को ढूंढो। लेट्स गो।
मैं शॉर्ट में जानकारी देता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि 2010 की 32 मिलियन डॉलर्स की रेस्ट्रैक चोरी के केस में 3 सस्पेक्ट्स की मौत हो चुकी है और 2 अभी तक फरार हैं। हमारी पुलिस टीम की इस केस में किए गए सराहनीय काम की वजह से चोरी हुए लगभग सभी पैसे रिकवर हो चुके हैं। मैं ये वादा करता हूँ कि लोम्बार्डो भाइयों को ढूंढे बिना मैं या मेरी टीम का कोई भी सदस्य चैन की सांस नहीं लेगा।